हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टाइम पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एक्सेप्ट माय नमस्कार दोस्तों। फाइनली अप्रैल जेई मेंस आ ही गया। काउंटडाउन तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी बच्चों का एग्ज़ाम 8 तारीख को है, कुछ का 9 को है, कुछ का 10 को है, 11 को है, 12 को है। 4-5 दिन के प्रोसेस में एग्ज़ाम हो रहा है। तो बेसिकली फाइनली हमारा जो मिशन है उसकी मंजिल बस नज़दीक आ ही चुकी है, जो 2 साल पहले या 3 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो और ये तो यही दिन था जिसका हमें इंतज़ार था कि वो एग्ज़ाम के लिए हम जो आते हैं, और अगर ये लास्ट ईयर वाले बच्चे होते, जो 12th पास वाले बच्चे इस मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, उनको याद होगा लास्ट ईयर ये वाला सेशन जो अप्रैल में जब एग्ज़ाम होने जा रहा था आपका, वो पहला एक्सपीरियंस था। तो उन लोगों के लिए 12th पास के लिए तो ये 3rd एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट जो लास्ट ईयर हुआ, दूसरा जो भी जनवरी मेंस में हुआ, और अभी ये फाइनली होने जा रहा है। और हमारे 12th के बच्चे तो उनके लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, जो अप्रैल में अभी एग्ज़ाम हो रहा है आपका फ्रॉम 8th टू 12th। आप तो जनवरी में एग्ज़ाम दे ही चुके हो यार। जनवरी में गए थे तो बड़ी एक घबराहट थी, एक एंग्जाइटी थी, ना जाने क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या होगा। एग्ज़ाम से पहले बुला रहे हैं 7:30 बजे, फ्रिस्किंग होगी, कैसे होगा। तो वो एक नेचुरल था कि भाई एक एंग्जाइटी हो सकती थी, घबराहट हो सकती थी, एक अनसर्टेनिटी को हम फेस करने जा रहे थे कि फर्स्ट टाइम एक बाहर निकल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, आई कैन एक्सेप्ट दैट, आई कैन एग्री कि लिटिल एंग्शियस थे आप, ठीक है। लेकिन आपने देखा हो गया एग्ज़ाम वो भी, ठीक है। उसके बाद तो आपने दूसरा एक और जो हमारा फेमस एग्ज़ाम होता है CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम, उसको भी दे लिया, क्योंकि वो भी घर से बाहर का एग्ज़ाम था, उसको भी आपने अच्छे से कॉन्कर कर लिया। प्रैक्टिकल भी सेशन आपने अच्छे से दिए, तो अब आप यूज टू हो गए हो कि अपने घर से बाहर जाके एग्ज़ाम देने में, ठीक है। यानी घर से बाहर का मतलब है कि भाई जो अभी तक हमारे मॉक टेस्ट होते थे वो क्या होते थे, आपके एक इन हाउस टाइप के एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। तो ऐसे लगता था यार तो घर की खेती सी है, ठीक है। तो अब ऐसे मत कहो, आप जनवरी एग्ज़ाम दे चुके हो, 12th पास वाले लास्ट ईयर का भी अप्रैल दे चुके हैं, और आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे चुके हो, 12th पास वाले लास्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इस बार थोड़ी सी नेचुरल फीलिंग बनाओ इसको, प्लीज़। तो एंग्जाइटी पे ही पहले बात करते हैं। एंग्जाइटी इज़ ए वेरी नेचुरल फिनोमिना। जैसे मैं अभी ये 1 घंटे से सोच रहा हूँ कि कुछ आपके लिए वीडियो मैसेज बनाना है, सब मुझे कह रहे हैं कि भैया वीडियो मैसेज बनाओ, तो मैं भी एक एंग्शियस था। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया मुझे भी इसको, मतलब अपने को रिलैक्स करने में, ठीक है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट में हूँ, कोई किस काम के लिए आता है, कोई बच्चा मिल जाता है 2011 का, वो 2020 का मिल जाता है, 21 का मिल जाता है, इधर अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिल जाते हैं, तो वो तो है ही बाहर की चीज़ें। फिर एंग्जाइटी है यार कि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे क्या बोलना है, तो इट्स वेरी नेचुरल फिनोमिना। तो एंग्जाइटी को, एक तो ये नेचुरल है, दूसरा आपका शायद एंग्जाइटी नेचुरल है, लेकिन आप जो है शायद अपनी एंग्जाइटी से ना इतना ज़्यादा इफेक्ट होके आपके जो घर का माहौल है इस टाइम, क्योंकि आप घर में हो, आप इंस्टीट्यूट वगैरह में ज़्यादा नहीं जा रहे हो, 1-2 दिन और जा रहे होंगे ज़्यादा ज़्यादा, तो वो घर में जो पेरेंट्स हैं उनकी एंग्जाइटी से आप अफेक्ट हो रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि उनके लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे उनकी एंग्जाइटी बड़ी नेचुरल है, क्योंकि यार उनके बच्चे हो आप जो है, बचपन से उन्होंने आपको बड़ा किया है, और मे बी जनवरी एग्ज़ाम के अंदर आप उनके लेवल पे इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, या आप भी अपने लेवल पे इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो एक वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइस ऐड कर सकता है एंग्जाइटी को। लेकिन पेरेंट्स की एंग्जाइटी भी नेचुरल है, उनके अपने लेवल पे नेचुरल है, आपके अपने लेवल पे नेचुरल है, लेट इट बी नेचुरल, ठीक है। डोंट फाइट इट विद इट, डोंट ट्राई टू रीजन आउट इट। आप इसको कारण में, यार क्यों एंग्जाइटी हो रही है, यार मुझे जनवरी में एंग्जाइटी भी हुई थी, अब भी एंग्जाइटी हो रही है, यार ऐसा ना पेपर खराब हो जाए, अरे क्यों सोच रहे हो यार, ये नेचुरल है। कितना नेचुरल है कि प्यास लगी है, पानी सामने आया, पी लिया आपने, ये थोड़ा इसकी पानी की टेस्टिंग करा रहे हो, देख रहे हो इसका कि PPM निकाल रहे हो, जी क्वेश्चन आया था PPM वगैरह खाते हैं जो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इतना ये नेचुरल है, हो नहीं था, ये तो नेचुरल है। अगर मैं कह रहा हूँ, कई बार मैं इतने साल से मतलब बच्चों से बात करता हूँ, मैं कब एंग्शियस होता हूँ, जब बच्चा कहता है मुझे एंग्जाइटी भी नहीं हो रही, मुझे लगता है इसे क्या हो गया यार, ये बिल्कुल डेड मैन वॉकिंग हो गया, एंग्जाइटी भी नहीं हो रही। तो मैं एंग्जाइटी का इशू पहले इसलिए ले रहा हूँ, इट्स वेरी नेचुरल, बस इसको रीजन करने की कोशिश मत करो, इसके बारे में सोचो मत। आ रही एंग्जाइटी, एक्सेप्ट कर लो, यहाँ से आएगी जाएगी, घुसेगी अंदर, यहाँ से निकल जाएगी, लेट इट बी इन ए प्रोसेस ऑफ डायनेमिक लर्निंग जो है। तो पहली चीज़ भी एंग्जाइटी से फाइट मत करो, ठीक है। दूसरों की ज़्यादा एंग्जाइटी को अपने साथ एब्जॉर्ब मत करो, बी ए ब्लैक बॉडी,
ठीक है जी, डोंट एब्जॉर्ब एनीथिंग जो है, और इससे फाइट मत करो, ठीक है जी, क्लियर। अब एक दूसरे टाइप की एंग्जाइटी एक बार को लॉजिकल है कि जिन लोगों का थोड़ा जनवरी मेंस का एग्जाम इतना बेहतर नहीं हुआ जितनी उनकी एबिलिटी है, जितना वो सोच के आए थे, वो हो सकता है। तो कोई बात नहीं, जब एंग्जाइटी थी वो तो मतलब है, हो सकती है, क्या होगा, लेकिन आप मुड़ के देखो जनवरी से लेके आओ, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल आ गया अब तो जो है, तो आप उसको जो जिन कारणों की वजह से आगे बार खराब हो गया था, मे बी वो ऑन द स्पॉट वाले कारण थे कि भाई वो ये एंग्जाइटी वाली जो चीज़ थी उसको आप नहीं हैंडल कर पाए और उसने अपना रंग दिखा दिया, या फिर आपकी तैयारी में कुछ कमी थी, हो सकती है अभी तैयारी सडनली एकदम से जनवरी में एग्जाम हो गया, आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, मतलब ट्वेल्थ पास के बच्चे जो पहले हम सोचते थे कि अप्रैल में एग्जाम होगा उनके लिए न्यूज़ आई तो उन्होंने, उनका जनवरी में एग्जाम हो गया, उनका प्रिपरेशन लेवल कम हो गया आपका, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो है तो बहुत सारे कोई रीजन हो सकते हैं, मतलब जो है, लेकिन उस सबको आपने प्लग इन कर लिया, क्यों, क्योंकि आपने 8 पेपर, आपने अपना एक पेपर दिया जनवरी का जो भी डेट डेट को दिया होगा, लेकिन हमने आपसे रिक्वेस्ट भी करी कंटिन्यूसली, आपके मतलब जो अकाउंट में पेपर डाले गए, हमने अपना विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पे सारे 8 के पेपर के पेपर को मैथ्स के मुन्ना भैया ने, फिजिक्स के हमारे अभिषेक सौरभ सर और अपना शोभित भैया ने और केमिस्ट्री केंद्र सर ने टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करके सारे डिस्कस किए, ठीक है जी, तो वो सब चीज़ें जो है ना आपकी अब चार्ज लो, 8 पेपर को देख लिया आपने, यू मस्ट बी चार्ज नाउ, क्योंकि इतनी वेराइटी, 8 को मतलब 90 से करो, ठीक है जी, मतलब 90 क्वेश्चन आए, 9, 8, 72, 720 क्वेश्चन की आपने अच्छे से देख ली, फिर आपने भी 3-4 मॉक टेस्ट दिए पिछले दिनों, पुराने मॉक टेस्ट रिवाइज किए होंगे, तो वो आपने जो कमियां थी जिनकी वजह से आप जनवरी में अच्छा नहीं कर पाए थे, वो आपने सब अपनी लूप होल्स को प्लग इन कर लिया, तो हैव ए कॉन्फिडेंस अबाउट दिस जो है, तो ये वाला एंग्जाइटी का कारण भी कर दोगे। अब आगे चलें तो क्वेश्चन ये आता है, आपके पेरेंट्स भी हमसे पूछते हैं, संदीप भैया से पूछते हैं, मेल लिखते हैं मुझे, व्हाट्सएप करते हैं कि भैया आखिर में क्या करना चाहिए, आखिर में टाइम ही कितना है जो क्या करोगे, ठीक है जी। अब ये जो वीडियो है आपकी मोस्ट प्रोबेबली 6 तारीख को आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 को एग्जाम हो रहा है, जिनका 9 को है 3 दिन, जिनका 10 को है 4 दिन, खत्म, एग्जाम तो है ही नहीं, तो बेसिकली क्या है कि आपको अपना मेंटल मेकअप को बहुत अच्छा सा करना है राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, ठीक है, थोड़ा सुबह उठने शुरू हो जाएं, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें, बॉडी को सेट करें, 6:30 उठ जाएं, थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज करें, कभी आपने यूट्यूब पे मुन्ना भैया की वीडियो पढ़ी है, उन्होंने बताया किस तरह से बेसिक एक्सरसाइज करनी होती है, बेसिक ऑन द स्पॉट रनिंग कर लें, कुछ मतलब लेफ्ट और राइट की अपनी बॉडी को खोल लें, कुछ इस तरह से मतलब जंप करके कुछ चीज़ें कर लें, ठीक है जी, और थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लें या डीप ब्रीदिंग कर लें, ठीक है जी, और थोड़ा सा फूड पर ख्याल रखें। तो अभी इस वीडियो सुनने के बाद राइट फ्रॉम द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने को महसूस करें कि आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, एक कॉन्शियसली, मैंने पिछली बार भी, आप पुरानी वीडियो मैसेज देख सकते हो जिसमें मैंने और मुन्ना भैया ने साथ में मैसेज दिया था, उस टाइम मैंने कहा था कि माइंड की नेचर ही होती है, जैसे एक कुत्ता होता है, अगर वो स्पीशीज कुत्ते की शेप का अगर वो भौंके ना तो हम कहें कुत्ता नहीं है या वो नकली है, वो सॉफ्ट टॉय है, तो ये नेचर होती है कुत्ते की भौंकने की, ठीक है जी, तो इसी तरह से क्या होती है ह्यूमन माइंड के, मन की, माइंड की नेचर ही होती है, कुछ करता रहेगा जब आपको, कभी कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, पॉजिटिव बात करेगा, नेगेटिव बात करेगा, तो आप कॉन्शियसली अपने आप को सेशन दे दो कि यार आई एम वेरी पॉजिटिव, हो एम आई, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ स्ट्रांगली, मैं जनवरी के एग्जाम को भी मतलब बिल्कुल एक हर्डल को क्रॉस कर गया हूँ, बोर्ड के एग्जाम को हर्डल को क्रॉस कर गया हूँ, जो भी मेरी कमियाँ थी उसको मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, यार अच्छा ही होना है पेपर जो है, तो एक कॉन्शियस सेशन दो, अगर आप कॉन्शियस एफर्मेशन जिसे भी कहते हैं, मतलब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, एक पॉजिटिव एफर्मेशन आपको देनी है, यस आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड, मैं एग्जाम में अपने आप को बैठा हूँ, ये फील कर रहा हूँ कि मेरे पेपर सारे अच्छा हो रहे हैं, इस तरह, क्योंकि विचार तो आएंगे आएंगे मतलब जो है, ठीक है जी, तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप योर सेल्फ चेयरफुल, कीप योर सेल्फ जॉयस, ठीक है जी, कैसे, पेरेंट्स से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वो कुछ बोल रहे हैं प्रिटेंड करो कि उनकी सुन रहे हैं, मैं जाता हूँ ये वाली वीडियो पेरेंट्स को भी दिखा दो, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, ठीक है जी, मेरे रेस्पेक्टेड मतलब फ्रेंड्स जो हैं, ठीक है जी, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के माता पिताओं, आपसे बहुत मैं हम्बल दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर के अंदर एक अच्छा सा एक माहौल बना के रखें, गर्मी का मौसम आ गया है, कभी आइसक्रीम खाएं, कभी थोड़े से मतलब जो है आपके इकट्ठे बैठें, कोई एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह देखें, हंसी मजाक की बातें हों मतलब जो है, और घर में बहुत सीरियसनेस नहीं होना चाहिए कि यार देख बेटा मैं बता ही रहा हूँ,
आप पेरेंट्स को दिखा दो ये वीडियो कि मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि फिर कि उस बच्चे को ये मत कहो कि यार तू 2 साल से तैयारी कर रहा है, तू 3 साल से तैयारी कर रहा है, तू 9 से लगा है और तेरे को कुछ अच्छा करके आना है, नेचुरली अच्छा करना है हमने जो है हमारे बच्चों ने, तो हम ये अपने एज ए पेरेंट क्यों स्पेशली उनको कहें कि भाई देख, उसको बार बार क्यों रिमाइंड करें कि तू अच्छा करना है, नेचुरली अच्छा होगा, ये तो उसको दिलाना ताना देना होता है, जो बच्चा पढ़ता नहीं है देख वो दिन आ गया तूने पढ़ाई तो करी नहीं तेरा पर तो अच्छा नहीं होगा, वो ताना देना से कहते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भी इमोशंस के अंदर भर के कुछ ऐसी बात कर देते हैं यार हमारे बच्चे को सर बुरी लग जाती है, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ठीक है, और ये वाला क्लिप जरूर दिखा देना बेटा पापा मम्मी को कि आप रिक्वेस्ट है कि घर में चर्चा ही ना करें एग्जाम की, खाने पीने का ख्याल रखें, टेस्टी फूड घर में बनाएं जो है, और ज़्यादा फोन वोने बात मत करें, रिश्तेदारों को इस टाइम आने मत दें, और अच्छा से माहौल रखें, सुबह उठें को म्यूजिक से चला दें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला दें, को भजन चला दें, कुछ यूट्यूब से चला दें, एक अच्छी सी एक मतलब वाइब्रेशन सी घर में जनरेट करें, मतलब जो है ये मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, पेरेंट्स पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं, वो एक अच्छा 2-4-5 दिन माहौल अच्छा बना सकते हैं, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को भी क्या है बच्चा एंग्जाइटी से तो नहीं हो रहा, घबराहट तो नहीं रहा, ये सब चीज़ें आप इस मूवमेंट पे बच्चों में आपसे भी कह रहा हूँ इस मूवमेंट पे सक्सेस और फेलियर, अब देखें बहुत चीज़ आपने एम्बिशन रखी 2 साल पहले 3 साल पहले कि मुझे IIT में जाना है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाना है, JEE मेंस देना है, तो हो गई थी एम्बिशन, अभी थोड़ी ना एम्बिशन की माला ले लोगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पागल हो जाओगे आप जो है, ठीक है तो एम्बिशन रखी बिल्कुल ठीक है, अब इस गेम में वह लौट के देख रहे हैं कभी नंबर आते हैं कभी नंबर नहीं आते हैं, टेस्टिंग वगैरह होती है, कभी सक्सेस होती है कभी फेलियर होती है, अब डोंट फॉरगेट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि स्पाइट ऑफ ऑल दीज फेलियर एंड सक्सेस ऑफ दीज मॉक टेस्ट ऑफ दीज HRTs ऑफ दीज JEE मेन टेस्ट जो है, ठीक है जी, यू स्टूड देयर, यू स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम जिसे कहते हैं हम जो है, मतलब ठीक है जी, तो आप देखो कि आप खो कौन, आप इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हो, तो छोटी मोटी चीजों से अफेक्ट मत होगे, पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, या अपने माइंड ने अपने बारे में कुछ कह दिया जो है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप देखो कि अभी 3-4 दिन बड़े क्रूशल हैं, इन 3-4 दिन में हम कुछ नया तो कर नहीं सकते, मैं हमेशा कहता हूँ, और कोई कंस्ट्रक्टिव तो कुछ कर नहीं सकते, कंस्ट्रक्टिव ये है कि बी पॉजिटिव बी चीयरफुल बी जॉयस, लेकिन डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, मन की एक नेचर होती है कि वो हमेशा आपको चैलेंज देगा, डोंट बी मतलब डोंट फॉलो योर माइंड बिवेयर ऑफ योर माइंड, जैसे वो जिन कोठियों में कुत्ता रखते हैं वो लिखते हैं ना बिवेयर ऑफ डॉग देर इन दिस फ्रंट गेट पे लिखते हैं बिवेयर ऑफ डॉग, इसी तरह से मैं कहता हूँ अपने माइंड में डाल लो बिवेयर ऑफ योर ओन माइंड, डोंट लिसन टू अदर्स माइंड, फर्स्ट बिवेयर ऑफ ओन माइंड एंड डोंट फॉलो अदर्स माइंड, ठीक है, फॉलो योर आपकी क्या पॉजिटिव माइंड, बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द डे, जैसे मैंने कहा आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो रात की सारी तनाव वगैरह हट जाएगा, ठीक है जी, हर 2-3 घंटे के अंदर जब भी आपको लगे फोकस करो अपनी ब्रीथ के ऊपर, ब्रीदिंग के फोकस करो, देखो जब भी एक नेचर होती है जब भी आप थोड़े से परेशान होंगे चिंता होगी फिक्र होगी आपको ध्यान हट जाएगा कि मैं मेरी ब्रीथ हो रही है नहीं हो रही है या फास्ट हो जाएगी कभी या ज़्यादा स्लो हो जाएगी, तो जब भी आपको लगे यार मैं और डिस्टर्ब सा हो रहा हूँ पे अटेंशन टू योर ब्रीथ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग की सांस अंदर जा रहा है जा रही है, सांस बाहर आ रहा है आ रही है, ठीक है जी, तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आंख बंद करके अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट इस पर फोकस कर लो, आपकी सारी तनाव टेंशन दूर हो जाएंगी, तो बिवेयर ऑफ योरसेल्फ बिवेयर ऑफ योर माइंड पहले, फिर अपना ख्याल रखो अपने ख्याल में ब्रीथ को वॉच करते रहो, जब भी आपको एंग्जाइटी हो जब भी चिंता फिक्र हो मन कहेगा यार एग्जाम में क्या हो रहा है यार, ठीक है जी, यार मुझे तो चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कोनिक सेक्शन सारा भूल रहा है, मुझे ऐसे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं आ रही है, मुझे ऐसे लगता है सारा नॉन मैकेनिक्स का जो पोर्शन 11th का होता है वो भूल रहा है, ये एक इल्यूजन है, तो फिर वो क्या करो इन पर ध्यान मत दो अपनी ब्रीथ पर फोकस कर लो, या फिर किसी बच्चे को ज़्यादा लगता है तो अपनी जो हमारे फार्मूलाज के रजिस्टर होते हैं या हमारे कुछ समरीज की कॉपी होती है उसको उठा के खोल लो थोड़ा पढ़ लो, फिर जिसके सारे फार्मूले हैं केमिस्ट्री के ये कुछ इंटीग्रेशन के रिजल्ट हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन हैं ऐसे देख लो, बेसिकली टाइम को अच्छे से जीना है, ठीक है, जब थोड़ा सा हो जाए 2 घंटे बैठ लिए 3 घंटे बैठ लिए फिर अपने जाके एनिमेटेड मूवीज देख लो टीवी के अंदर जो है, कुछ अपना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लो अपना शवासन के अंदर हो जाओ, इस तरह से अनुलोम विलोम कर दो, लेफ्ट राइट नोस्टल को बंद करो, लेफ्ट से सोरा थोड़ा सा गहरी सांस लो हल्का सा इधर बंद करो फिर इधर से जाने दो, फिर इस साइड से सांस लो हल्का सा रोको इधर से जाने दो, अनुलोम विलोम कर लो 2-3 मिनट फिर आपका माइंड जो है शांत हो जाएगा, तो बेसिकली कुछ चीज़ें कॉन्शियसली करनी पड़ती हैं, क्यों अनकॉन्शियसली इतनी सारी चीज़ें माइंड जो है ना वो सेशन देता रहता है यार वो ठीक नहीं होते, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपको अब अटेंशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बदले
आपको आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम के बदले अपने आप पे फोकस करना है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे है, मैं किस चीज़ से खुश होता हूँ, मैं अच्छे फूड से होता हूँ, अच्छे फूड से होता हूँ। बल्कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कोई बात नहीं कॉमर्स के हों तो और बेटर है, कोई ऐसे मामा जी या ऐसे कोई चाचा जी इनसे बात करके अच्छा लगता है, ठीक है, उनसे कोई बातचीत कर ली दिन के अंदर जो है। थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर थोड़ा बंद रखेंगे, मतलब उनसे बातचीत नहीं करनी है, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने घर में ही थोड़ी सी बातचीत करनी है, कॉमर्स के फ्रेंड्स वगैरह से बात करनी है जो थोड़े से मस्तीबाजी कर रहे हैं, थोड़ी उनकी मस्ती इस टाइम ले लेनी है। अभी थोड़े दिन पहले वो पिक्चर वगैरह देख के आए होंगे, उनकी थोड़ी मस्ती ले लेनी है। समझ आ रही है दोस्तों, मैं जो मेन बातें कह रहा हूँ आपको जो है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको जो है, ठीक है। और कोई खास बात तो है नहीं जो इस टाइम पे कुछ करी जा सकती है, ठीक है जी। बस मैंने बता दिया चीज़ें खराब करी जा सकती हैं, ठीक है जी। ये तो वही बातचीत की अभी एग्जाम से पहले। अब एग्जाम वाले डे दिन हमने 2 या 3 दिन या 4 दिन जितने भी टाइम मिल रहा है आपको, अपने 6:30 बजे उठना शुरू कर दिया है, थोड़ी 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है, अच्छा सा नाश्ता करना शुरू कर दिया है। आइसोलेट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कौन से नाश्ते से आपकी एनर्जी ठीक रहती है, कौन से नाश्ते से आप थकान महसूस करते हो। हैवी पराठे वगैरह नहीं खाने हैं, गर्मी का मौसम हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा वही नारियल पानी, नींबू शिकंजी वगैरह यही 2-3 दिन इस्तेमाल करो। एग्ज़ाम वाले दिन भी जो है दूध मत पियो एकदम से, दही के साथ जो है कुछ चिवड़ा डाल लो उसके अंदर, या दही के अंदर कुछ बनाना डाल के कुछ इस तरह के, या आपका एप्पल शेक वगैरह या मैंगो शेक, या मैंगो अवेलेबल नहीं होता ये चीज़ पियो, प्लेन दूध नहीं पीना है। खाली पेट एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, इसलिए अभी 3-4 दिन में प्रैक्टिस कर लो क्या नाश्ता खाना है, क्योंकि एनर्जी की चाहिएगी, एनर्जी एकदम से चाहिएगी एग्जाम के अंदर जो है। अभी एग्जाम में कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, जैसे कि नींबू पानी ले जाना या कुछ चॉकलेट ले जाना, फ्रूट ले जाना, तो इसलिए आपको जो है मतलब इनके बिना ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब ठीक है जी। फिर भी एग्ज़ाम जब सेंटर पर जा रहे हो उस टाइम पर थोड़ी मुँह में मिश्री डाल लो, भर लो मिश्री में, थोड़ी 2-3 इलायची डाल लो, कोई मुँह का आपका स्कैन नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है, ठीक है जी। जैसे ही पापा मम्मी से एग्ज़ाम के अंडर में जाओ, मतलब लिया अपना थोड़ा मिश्री, फिर मैं याद दिला रहा हूँ, मिश्री और 3-4 इलायची छील के बिना मुँह में डाल लो, हल्का सा उसको क्रश मत करो, मुँह में डाल लो, या जिन बच्चों को नहीं है तो 1-2 चॉकलेट मुँह में डाल लो। मिश्री तो ऐसी चीज़ है, कोई अगर मुँह भी खुलवा लेगा कहना जी माँ सरस्वती का प्रसाद है। इंडिया में प्रसाद के नाम पर बहुत आसानी से लोग एग्री कर जाते हैं, ठीक है। बल्कि प्रसाद के नाम से शायद हो सकता है एग्जाम में भी आपको मिश्री और इलायची ले आने दें, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम वाले दिन जो है आपको सुबह उठे हैं, एक शावर लेना है, अच्छे से लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है जी। पानी की बोतल ले जाना है, चाहे वो बाहर रखवा दें, एग्जाम में सेंटर पे जो टाइम होता है यार सुबह, ठीक है जी। रोल नंबर वगैरह अपना जो भी है, जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी कार्ड है या घड़ी है, जो एनालॉग वाली वॉच, वो सब रात को ही बना के रख लें, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँच जाएँ, सेंटर को देख लें इधर उधर जाके, ये अपना ऊबर ओला वगैरह इन पे जरा विश्वास अच्छा ना करें, मतलब पापा मम्मी को साथ ले जाएं या टाइम से पहले पहुँचें। ट्रैफिक, अब ये मत सोचो कि संडे है कि ट्रैफिक होगा, मतलब जो है संडे तो है ही नहीं इस बार, किसी का संडे पर संडे किसी का नहीं पड़ रहा 8-12 में, तो सुबह ही ट्रैफिक हो जाता है, तो उसको टाइम से पहुँचें, ठीक है जी। और एग्ज़ाम में जब आपको एक कंप्यूटर के सामने बैठा देंगे, वो भी एंग्जाइटी ख़त्म हो चुकी है, हमने भी ख़त्म कर दी है CBT के थ्रू, वहाँ भी नहीं रही होगी, ठीक है जी। तो आंख बंद कर लें और बल मन में अपना फिर गहरी सांस लें, या मैं और सिंपल सजेशन दे रहा हूँ कि ब्रीथ इन गया तो आप ऐसे फीलिंग करें कि मन में फील करें कि आप ओम बोल रहे हो, कि ब्रीथ इन जा रहे हैं तो धीरे से ओम, ब्रीथ इन हो गया, ठीक है जी। हल्के से आपने सांस को बाहर खींचा तो सांस जैसे बाहर आ रही है, ठीक है, वैसे वैसे मैं बोल रहा हूँ सांस बाहर जा रही है मेरी, और मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे ओ, ये जोर से नहीं बोल रहा है, एग्जामिनर पकड़ लेगा, वहाँ पे इवेल्यूएटर पकड़ लेगा। ये मन में आपको इसका एक तरह से, जिसे कहते हैं हिंदी में जाप या जो है, इसका एक मतलब इसको मतलब अंदर फील कर लेना है आपके अंदर जो है, ठीक है जी। तो उससे क्या हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और माइंड स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी बिल्कुल लेजर बीम बन जाएगी, और जैसी चीज़ें शुरू होंगी आप टूट जाओगे उसके ऊपर, चक दिया फट्टे वाली बात हो जाएगी, ठीक है जी। अब एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में कुछ चीज़ें होती हैं कि आप क्वेश्चन शुरू करते हो, वैसे मैंने पहले बता रखा है, इस बात को मैं दोबारा नहीं करूँगा, कि जनरली आपका अपना सजेशन है कि कौन से पेपर पहले करते हो, लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं केमिस्ट्री पहले कर लो, जेई मेंस के अंदर मैथ्स सेकंड कर लो, फिजिक्स लास्ट में कर लो। मिनिमम टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम 45 मिनट केमिस्ट्री के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम मैथ्स के लिए 75 मिनट होता है, और मैक्सिमम टाइम फिजिक्स के लिए 60 मिनट होता है। ये इन जनरल है, कई बार केमिस्ट्री 30-35 मिनट में भी हो सकता है, टाइम बच जाता है, बोनस मैथ्स अच्छा हो जाता है। फिजिक्स के अंदर मुझे लगता है 60 मिनट सफिशियंट टाइम होते हैं, मैथ्स में 60 मिनट में नहीं होता है, 75 एक्चुअल में इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलिंग इन द मैथ्स पेपर। ये पहले ही बात कर रखी है हमने, पुरानी वाली वीडियो निकाल के देख लेना, वैसे मैंने रिपीट कर दिया है। एग्जाम में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं, कई बार नहीं होता है वो, ये नेचुरल है। फिर मैं कहूँ चीज़ें नेचुरल है, लेकिन आप क्या करते हो उससे फटे तो, ओह यार मैन क्या हो गया, ओह शिट मैन यार ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ,
फिर आप डीप ब्रीथ गए जैसे मैंने करी है, आप अगले में चले जाएं। एक बार अच्छे से देख लें यार हो रहा है, पढ़ सकता हूँ, नहीं हो रहा अगले में चले जाएं। कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू मूव अहेड। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आने हैं उसके अंदर, कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा नंबर ले भी नहीं चाहिए होते हैं, अगर हमारा मतलब जो है 98% 95% अबव परसेंटाइल आ जाता है तो भी हम जो है ना 20-22 हज़ार में रैंक ले जाते हैं, ऑन द मतलब बिल्कुल मतलब लास्ट मतलब ऑन द सेफर साइड कह रहा हूँ। और यह सोचना नहीं है, तो मैंने बताया मतलब ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, दो नहीं हुए गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लोग कहते हैं भैया पहले 5 क्वेश्चन नहीं हुए उसके बाद अगले 15 क्वेश्चन एकदम से हो गए, तो प्लीज़ जरा मतलब है तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। एग्जाम में पैनिक वैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी जो है। और जो मैंने बताया कि अगर ये 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे अपने आप को, कि जब मेरी एंग्जाइटी हो जाती है, जब मेरे थॉट्स आते हैं, मैं डीप ब्रीथ करता हूँ तो थॉट्स चले जाते हैं, इधर उधर हट जाते हैं, तो वो नेचुरल हो जाएगा प्रोसेस। कि अगर आपको थोड़ी एंग्जाइटी हुई, नेचुरली डीप ब्रीथ हो जाती है। आपने देखा है जब बहुत बड़े फास्ट फास्ट बॉलर जो बॉलिंग करने जाते हैं, रनअप पे जाते हैं, उल्टा जाते हैं, फिर एकदम से लौटते हैं तो एक नेचुरल डीप ब्रीथ लेते हैं, वो कोई कॉन्शियसनेस नेचुरल डीप ब्रीथिंग करती है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग है, बॉलिंग करनी होती है, तो क्योंकि वो उसकी रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसका मतलब बहुत ज़्यादा। समझ आ रही दोस्तों बात जो है। फिर एक लास्ट बात होती है, मुझसे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं। आजकल ये इंटरनेट कल्चर है, यूट्यूब पे बहुत लोग करते हैं कि भाई हाउ टू लगाओ ए तुक्का इन कंपटीशन एग्जाम जो है, ऐसे ऐसे वीडियो मैंने भी देखे हैं, वो भी बहुत बोलते हैं। मुझे नहीं लगता ये उन लोगों के लिए जो मतलब कि मेडिकल का बच्चा है, सोच रहा हूँ इंजीनियर बन जाऊँ तुक्के मार लूंगा मैं इसके अंदर। आप समझिए ना मेरी बात जो है, ठीक है। सडनली बच्चा उठा, जोश आया कि यार जेई में इसका फॉर्म भर दिया दे दूँ, उनके लिए होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इतने साल विद्या मंदिर में टेस्ट दिए हैं या कहीं भी आपने टेस्ट दिए हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट भी दिए होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि जब आप एक कैलकुलेटेड गैस वर्क करते हो कि एक सहमत क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का समझ में आ गया, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, आपने चॉइस पढ़ी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री में काफ़ी होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर काफ़ी आता है जो हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं, लग रहा है यार ये चॉइस ठीक है, फिर लग रहा है बी चॉइस भी ठीक है, तो आप उस टाइम फिर वही डीप ब्रीथ, ठीक है। अब देखो कि यार सीधा हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी और डी में से एक हो सकती है चॉइस, ठीक है जी। इफ़ यू हैव ए कॉन्फिडेंट माइंड, इफ़ यू हैव ए कॉन्फिडेंट माइंड, आपको अपने में बहुत ज़्यादा विश्वास है जिसे कहते हैं, तो पता लगा आपका गैस वर्क जिसे तुक्का कहते हैं वो ठीक होगा। और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है के बच्चे हैं, रिलैक्स नहीं है, बहुत तनाव में जा रहे हैं एग्जाम में, चिंता करके जा रहे हैं, हाय राम मेरा क्या होगा, पता है आपका जो क्वेश्चन आपका ठीक ठाक आता भी होगा, आपने कैलकुलेशन भी ठीक किया होगा, आंसर बी और होगा, सी क्लिक करके आ जाओ। इतने साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मतलब करके, कि हर बार बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया 4-5 क्वेश्चन ना पहले फिलिंग की होती थी, अब क्लिकिंग में गलत कर देते हैं। मैंने ठीक सोचा था, पता नहीं याद नहीं क्या हो, इसका इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज ना आपका क्या स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंट माइंड। तो क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो यार आप, इतनी आपने सीजनिंग हुई है, इतने दिनों से आप मतलब तैयारी कर रहे हो, मतलब यार जो है ऐसे थोड़ी ना कि आप कॉमर्स के बच्चे उठ के एग्जाम देने आ गए हो, या आप साइंस के बच्चे कॉमर्स का सीए का एंट्रेंस देने आ गए हो, यार ऐसे नहीं सोचना। तो आई एम इन फेवर ऑफ ए लिटिल कैलकुलेटेड एंड बोल्ड रिस्क, बट ये देखें कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इन जनरल हूँ या नहीं हूँ, अदरवाइज अगर आप 60-65 क्वेश्चन कर लेते हो काम बन जाता है। फाइनल बात कि सुबह से जब दिन को अच्छा सा रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, आर्गूमेंट नहीं करेंगे, और ये मम्मी को बता देंगे मैंने जो जो नाश्ते बताए हल्के जो हैं वही आपके लिए उस दिन डी डे बनेंगे, कोई घर में चिकचीबाजी नहीं होगी, कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो रिलैक्स माइंड रहेगा। गाड़ी में जा रहे होंगे, मम्मी पापा कुछ ना कुछ लेक्चर देंगे, उनकी सुनते रहना, और मतलब हो सके तो चुपचाप कान में रुई लगा देना, उनको दिखाई देनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको भी ये वीडियो दिखा देना तो आपको कुछ नहीं कहेंगे जो, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर जब भी कभी एंग्जाइटी होगी, मैंने बता दिया आपको डीप ब्रीदिंग का करना है, ठीक है। पता लगा कि भाई मेरे हिसाब से 4 से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन में इस तरह का कैलकुलेटेड गैस वर्क रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 4-5 क्वेश्चन, और रिदम बनानी है आपको। रिदम बनाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोच के जाते हैं, मन में तो सोच के जाना ही है कि 75 मिनिमम क्वेश्चन करने हैं, अगर आप 75 क्वेश्चन की सजेशन कॉन्टिन्यूसली देते जाओगे तो रिदम बननी शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप 70 क्वेश्चन कर जाओ। अगर एक्यूरेसी आपकी हाई है तो 60 क्वेश्चन यानी कि 240 मार्क्स हो जाते हैं, कम मिस्टेक होगी तो फिर भी 200+ बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं आप सोच के जाओगे कि 75 क्वेश्चन करने हैं, दूसरा क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गलत क्यों होगा यार, मैन आई नो एवरीथिंग, आई हैव टेकन सो मैनी टेस्ट जो है, और मैंने जो अपने पुराने आई हैव रिविजिटेड सीन ऑफ माई क्राइम, माई ओन क्राइम्स कमिटेड बाई मी इन द मॉक टेस्ट, इवन इन जनवरी टेस्ट, और सब मुझे पता लग गया कि ये एलिमेंट होते हैं, अनकॉन्शियसली वो मिस्टेक हो जाती है उन एलिमेंट के बारे में, आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ नाउ, तो मिस्टेक होंगी नहीं। तो सारा खेल जो है आपकी पॉजिटिविटी का है।
मैं लास्ट बात कह रहा हूँ, देखो एक ब्रह्मांड में ये सब लोग कहते हैं, पॉल कोहलो भी कहता है, हमारे वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी अवेलेबल टू ऑल. ठीक है जी, ये एनर्जी की कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी एनर्जी होती है. ठीक है जी, तो ये हमारे पर होता है कि हम ये स्टेट ऑफ माइंड जैसी रखते हैं, एनर्जी हमारे पर गिर रही है. मेरे सिर पे ज़्यादा गिरती है, गंजा हूँ, आपके सिर पे बाल है. ठीक है जी, तो तेज़ी से एनर्जी हमारे यहाँ गिर रही है. ठीक है जी, और हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड होगा, अगर हम बहुत हेल्दी माइंड से हैं, हम चीयरफुल माइंड से हैं, जॉयस माइंड से हैं, पॉजिटिव माइंड से हैं, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिविटी. अगर हम बहुत डरे हुए हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, हाय राम हमारा क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है जी, तो उसकी एनर्जी क्वालिटी उसी टाइप की हो जाएगी. और वो आप सोच के भी नहीं जा रहे थे, एग्जाम में गलती हो जाएगी. गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है, अनकॉन्शियस माइंड से हो जाती है. तो ये 3-4 दिन आपको मेरी बातों को फॉलो करना है, एक बार वीडियो को 2 बार सुन लेना है इसको मतलब करके. ठीक है जी, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ लेके माँ सरस्वती से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सबके मन को बिल्कुल एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें माँ, और आपको मतलब जो है एक मतलब बिल्कुल सुबुद्धि दे, और आपको बिल्कुल जो है करेज दे एग्जाम में जाने का. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने बड़ी पेशेंस दिखाई ये मेरी बातों को सुनने की जो है. ठीक है जी, फिर मैं थैंक्स करता हूँ, और चिंता ना करें, अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है. 12 अप्रैल के बाद फिर मैं आपको प्लानिंग दूंगा एडवांस के लिए जो है, और बिट सेट के लिए क्या करना है. इस दौरान बिट सेट की डेट निकली हुई है, लास्ट जल्दी जल्दी एक बात कर लूँ, कम से कम 1 हफ्ते पहले कोशिश करना बिट सेट के एग्जाम की डेट लेने की, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम 27 मई को हो चुका है. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू.